हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। रेनेसा क्लासेज जयपुर की तरफ से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि रेनेसा क्लासेज जयपुर के द्वारा प्ले स्टोर पर रेनेसा क्लासेज ऐप को डिजाइन किया गया है। इस ऐप के माध्यम से आप तक ऑनलाइन विषय सामग्री को शेयर किया जा रहा है, इसलिए रेनेसा क्लासेज जयपुर के यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा रेनेसा क्लासेज जयपुर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोरोना महासंकट के दौर में ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप अपने सपनों की ऊंची उड़ान को पूरा कर सकते हैं। विषय विशेषज्ञों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से न केवल साप्ताहिक टेस्ट, न केवल PDF नोट्स, अपितु लाइव क्लासेज भी आपके लिए जारी की जा रही हैं। इस ऐप स्टोर के माध्यम से आप क्लासेज को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप विषय विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर कैलाश सामुता के द्वारा आपको राजनीति विज्ञान सहायक आचार्य राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के बाद से जो ऑनलाइन क्लासेज हैं राजनीति विज्ञान के अध्यापन का आपको अवसर मिलेगा। इस सुअवसर का लाभ उठाने के लिए आप रेनेसा क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान, जैसा कि हम सबको पता है कि इस विज्ञप्ति में राजनीति विज्ञान विषय के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा 57 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। 57 पोस्ट हैं, जो एक बिग अचीवमेंट है, ये कह सकते हैं, अथवा बिग अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, क्योंकि इतनी पोस्ट महाविद्यालय सेवाओं में बहुत कम बार आती हैं और वर्षों के बाद ऐसी विज्ञप्तियां जारी होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए और अपने सपनों की ऊंची उड़ान को पूरा करने के लिए रेनेसा क्लासेज जयपुर के साथ आप जुड़ सकते हैं। राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य पद के लिए जो पोस्ट निकाली गई हैं, उन पोस्ट में एक स्थान आपको भी अचीव करना है। इस एक स्थान को आपको प्राप्त करने के लिए रणनीति के साथ व्यापक और गहन तैयारी करनी होगी, और ये रणनीति, व्यापकता और गहनता आपको मिलेगी रेनेसा क्लासेज के माध्यम से। राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में परिचर्चा की जाए तो जो पूर्व फॉर्मर रिक्रूटमेंट था उसी का पाठ्यक्रम लगभग वैसा ही पाठ्यक्रम रहेगा। इसमें आंशिक बदलाव हो सकता है, परंतु क्वेश्चन पेपर की जो स्कीम है, प्रश्न पत्र की योजना है, वो RPSC के द्वारा जारी कर दी गई है विज्ञप्ति के साथ ही, जो इस बात का संकेत है कि इसमें कोई विशेष बदलाव होने वाला नहीं है। यदि होगा भी तो पार्शियली चेंज होगा। क्वेश्चन पेपर की क्या स्कीम है, इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। क्वेश्चन पेपर, पहला प्रश्न पत्र जो कि आपके विषय का होगा, राजनीति विज्ञान के विषय का, उसमें 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो पेपर होगा उसमें भी 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तीसरा जो पेपर होगा वह कॉमन पेपर होगा, जिसे जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, उसका नोमिक्लेचर है राजस्थान का सामान्य अध्ययन, और यह 50 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। तीनों प्रश्न पत्रों का कुल योग 200 मार्क्स होगा, जिसमें से आपकी रिटन मेरिट तैयार होगी, प्लस इसके साथ साथ 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। दोनों को मिलाकर 224 इस मैक्सिमम मार्क्स से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो केवल इतना ही नहीं देखें आप, जैसा कि सामान्य भ्रम या डाउट होती है कि रिटर्न में हम खूब मार्क्स ले लेंगे तो इंटरव्यू में हमें मार्क्स की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हर जो स्टेप होता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है, क्योंकि साक्षात्कार में आप राजनीति विज्ञान वालों से जीव विज्ञान के प्रश्न नहीं पूछे जाते। राजनीति विज्ञान के विषय के सहायक आचार्य के लिए साक्षात्कार देने वालों से गणित विषय के प्रश्न हल नहीं करवाए जाते। राजनीति विज्ञान और सामान्य दैनिक परिचर्चा का ही मूल्यांकन किया जाता है। हमारे चैनल के साथ, हमारे क्लासेस के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको न केवल लिखित अपितु
मौखिक परीक्षा विसावोस अथवा वाइवा या हम कह सकते हैं कि वर्बल जो एग्जाम होगी, इंटरव्यू होगा, उसकी भी तैयारी आपको साथ ही कराई जाएगी। राजनीति विज्ञान के सिलेबस को मोटे रूप में अगर हम देखें तो 6 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। ये ब्रीफ में आपके लिए कि आप बड़े विस्तार से उसका सिलेबस का मूल्यांकन करें, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि 6 इसके मुख्य पार्ट्स हैं और इन 6 मुख्य पार्ट्स का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद हम अपनी रणनीति या तैयारी को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है, तुलनात्मक राजनीति के नाम से इसको जाना जाता है। यह है राजनीति विज्ञान का कोर पार्ट है, जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में विस्तार से आपको अध्ययन और अध्यापन कराया जाएगा। दूसरा जो मुख्य पार्ट सिलेबस का है, वह मुख्य पार्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बाद आता है, पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को भी शामिल किया गया है। तीसरा जो मुख्य पार्ट है वह इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसको हम कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत की विदेश नीति भी शामिल है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वह इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन और राजनीति, इसके अंतर्गत थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों को शामिल किया गया है। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट भी शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, वो भी शामिल है। इसके अलावा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की जो उपबंध हैं, धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, उसको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो पांचवा मुख्य भाग है वह मुख्य भाग पॉलिटिकल थॉट से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक चिंतन। इसके दो कैटेगरी हैं, एक पूर्वी राजनीतिक चिंतन और दूसरा पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, अर्थात इंडियन पॉलिटिकल थॉट और दूसरा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। और छठवां सबसे मुख्य जो भाग है वह छोटा है परंतु इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, लोक प्रशासन और लोक नीति। तो ये 6 भाग हैं, जिन 6 भागों में जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसके अनुसार आपको अध्ययन कराया जाएगा, जिसकी संबंधित साप्ताहिक टेस्ट का भी आयोजन होगा। जो आपको नहीं आता है, आपकी डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, क्यूरीज हैं, उसके बारे में भी समाधान किया जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल रेनेसा क्लासेज, हमारे ऐप के माध्यम से आप जो आपकी कंप्लेंट हैं वो भी हमें दर्ज करा सकते हैं, जिनका समाधान किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, हालांकि ऐसी बहुत कम संभावना है, तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और अगेन एंड अगेन आप इसको समझ सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा रेनेसा क्लासेज ऐप का कि आप 12 महीने के लिए इन क्लासेज को देख सकते हैं और ये आपके लिए बार बार रिवीजन करने के लिए सबसे बड़ी सहायता के रूप में उपलब्ध होगा, क्योंकि कॉलेज व्याख्याता अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो एग्ज़ाम्स है, जैसा आप देखते हैं शेड्यूल होता है, वह लगभग 2 से 3 सालों का शेड्यूल होता है। इतना आसान नहीं कि विज्ञप्ति जारी हुई, एग्जाम हुई, इसलिए आपको धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ एक लंबी और दीर्घकालीन रणनीति, लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। बड़ा सिलेबस है और बड़े सिलेबस में केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी, आपको लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार जो पद्धति है उससे संबंधित ज्ञान भी प्राप्त करना होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे रेनेसा क्लासेज ऐप से जुड़िए। थैंक यू।